तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, ऐसा मत सोचना कि बंदा सुबह सो के उठते ही कहाँ चला है, हाथ ना मुँह धोया। गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी स्प्रे करने, क्योंकि बरसात में गाइस टाइम मिलता नहीं है। और वेदर देख सकते हैं आप लोग, आटू के ऊपर तो बिल्कुल ख़राब है, नीचे को भी टाइम है, ऊपर को ख़राब है। देखते हैं, स्प्रे होनी चाहिए। बस हमारी तीन ड्रम रहते हैं गाइस, तीन साढ़े तीन ड्रम होने चाहिए। एक ड्रम तो हमने कल कर दिया था यहाँ नीचे, बल्कि उसके पीछे बारिश भी आई है, बट आज तो तीन ड्रम करने थे। भगवान करे दो तीन बजे के बाद बारिश आए, आधा आधा घंटा सारी ड्रम को मिले आफ्टर स्प्रे के। तो चलते हैं गाइस, दो खेतों में करनी है, तीन साढ़े तीन ड्रम नीचे नाले वाले खेत में, साढ़े तीन ड्रम ऊपर यहाँ परे वाले खेत में जहाँ माइट की स्प्रे करी थी गाइस, वहाँ पे होने हैं दो ड्रम पूरे। और स्प्रे रेगुलर स्प्रे है गाइस, ये रूटीन स्प्रे जो होगी। और ये देखिए गाइस, ये मैंने यहाँ पे गुलाब भाई के लिए एप्रिकॉट रोबिस्टा की कलम करी थी, दो कलम है गाइस, दोनों चली गई। और ये करी इसलिए गई थी कि उनको सिर्फ खाने के लिए चाहिए थी और मेरे को कल में निकालनी थी। मेरे पास लास्ट ईयर इस साल मतलब वो आरटिया नहीं थी जिसमें इसकी कलम होती है, कम थी, इस वजह से मैंने यहाँ चिपका दी। और मैंने उनको बोला कि भाई इसकी कल में मैं ले जाऊँगा, आप पेड़ आपका हुआ है, बस मैं कल में इससे मैं ले जाऊँगा रूबिस्टा की कलम है गाइस। सो मैं क्या बोलता हूँ, कल करते हैं स्प्रे शुरू गाइस, फिर मिलते हैं। रेगुलर स्प्रे है मेरी बॉन वगैरह की, तो उसको करेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से नीचे। ये है गाइस हमारा सेकंड ऑर्चिड ऑन M9। और वो जो भाई कह रहे थे एक कि भाई वो जो होते हैं कीड़े इंसेक्ट्स जो हमारा लीडर खाते हैं, परसीमन के प्लांट्स खा रहे हैं उनके, वो कुछ इस तरह से खाते हैं। ये तो नहीं है खैर उस तरह का, बट वो सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा तो था भी कहीं लीफ इस टाइप का, बीच से खा जाते हैं, इसी तरह से ख़त्म कर लेगी उसके लिए गाइस। ये मेरे तो खैर अभी यही है, कीड़े बहुत लगे हुए, मैं तो इसी को ही झाड़ने में पूरा हो गया हूँ गाइस। जितनी क्रॉप रखी थी उससे भी 10% बच रही है, 50% क्रॉप रखी थी, मतलब 20-20 दाने रखे थे और अब रह रहे हैं 5-5-7-7 दाने, और कई में तो 1-1-2-2 दाने में, एवरेजन तो 2-3-2-3 रहेंगे। लेकिन चलो सेकंड ईयर अभी प्लांट की, तो ये मेरे लिए फ़ायदे की बात है। और ये देखिए, ये बिग बक्स का साइज, एक ग्रैनी बिग बक्स के टैग के साथ दिखाता हूँ मैं आपको। और इस साल की प्लांटेशन में हमारे प्लांट्स, एक ही प्लांट दिख रहा है मेरे को सूखा हुआ, दो तीन, इसमें भी कट मार दूंगा, ये भी चल पड़ेंगे। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा गाला बिग बक्स ऑन M9। और ये देखिए बिग बक्स, इसका तो गाइस आपको लास्ट दिखाऊंगा, बिग बक्स बहुत प्यारा सेब है। और ये है हमारा फैनजेट और M9 साइज, चेकआउट कर सकते हैं आप, देखिए काफ़ी अच्छा है। इसको टोटली ख़त्म किया हुआ है, बट वो जो वो भाई कह रहे थे उनके प्लांट्स को, वो परसीमन के प्लांट्स को वो खा रहे हैं, क्या कहते हैं हमारी उसकी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में उसको घेउल कहा जाता है। उसके लिए एक ऐसा ट्रैप बनता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ऑर्चर्ड है, ये इसका सेंटर है, दो बीघे के लिए वो कुछ ऐसा आता है, दो बीघे के लिए एक ट्रैप, कुछ इस टाइप का, कुछ स्क्वायर फीट में होता है उसका हिसाब किताब। तो ब्रदर वो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी बकेट है, बाल्टी है, और बाल्टी के ऊपर आप एक जुगाड़, देसी जुगाड़ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई लैंप है सोलर चार्ज वाला, उसको लटका के रख दीजिए उल्टा पेड़ के नीचे,
बिल्कुल ऐसे जैसे ये बाल्टी है, बाल्टी के ऊपर इस तरह से लटकेगा वो। अरे परे उसमें कुछ ऐसा सिल्वर फॉयल टाइप कुछ लपेट दो ऊपर को, ताकि उसमें इंसेक्ट लाइट के लिए आए। आर पार ट्रांसप्लांट होती है, मतलब क्या कहते हैं उसको यार, जैसे ये यहाँ पे लाइट है, लाइट चमकनी चाहिए इधर से इधर से इधर से इधर से, चमकेगी वो लाइट, वो उस लाइट के लिए जाएगा, इसके लिए जाएगा, इसके लिए, उसमें जैसे स्पीड में जाएगा बजेगा डायरेक्ट पानी में अंदर, जब पानी में चला जाएगा तो वो फिर नहीं निकल सकता। वही उसका इकलौता पक्का जुगाड़ है, अगर किसी ने वो जुगाड़ कर दिया तो वो कामयाब है। ये मेरी रो बैठ गई थी बिग बक्स की, मैं कोई वाला पेड़ खोलने को रहा हुआ है गाइस, ये खोलना कंपलसरी है, अगर नहीं खुलूँगा तो इस पेड़ ने वैरायटी ने जड़े खा लेनी इन दो पेड़ों ने। ये देखिए बिग बक्स की है रो, बिग बक्स काफ़ी अच्छा फ्रूट है। ये पीछे Z1, उससे पीछे वाली रो में टीरेक्स, काला टीरेक्स, गाला टीरेक्स भी गाइस कुछ कम नहीं है सेब, गाला टीरेक्स से देखिए आप यहाँ पे, गाला टीरेक्स अच्छा सेब है गाइस, बट एलिवेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। बाकी कलमे वगैरह सब कुछ जेन्युइन प्लांट्स की, किसी को भी चाहिए हो तो ज़रूर कांटेक्ट करें। ये बिग बक्स है, ये टीरेक्स है, इसमें क्या कहते हैं Z1 है मेरे पास, मिस्टा बाईचुरसी है मेरे पास, रेड लव है मेरे पास, रीन 10x14, ग्रैनी की जेन्युइन चाहिए, मिस्टार की जेन्युइन, मतलब ऑल ओवर। इस बार शायद वो क्या कहते हैं उसको, गाला नरसिमो, नरसिमो गाला भी मैं सोच रहा हूँ कुछ इस साल इंपोर्ट करवाने का, बाकी देखते हैं कैसा होगा। तो गाइज अभी कर लेते पहले स्प्रे यहाँ पे, फिर दो ड्रम ऊपर बीच वाले खेत में भी हो गए जहाँ पर हमने उस दिन माइट की स्प्रे करी थी 24 तारीख को, 4 दिन बाद, ठीक है गाइज 3 से 4 दिन बाद। ये देखिए गाइज हम दूसरे खेत में स्प्रे कर रहे हैं अब शाम को, यहाँ पे 4 ड्रम 3.5-4 ड्रम कर दिए, थोड़ा सा वो ख़त्म कर देगा किम उसको, मेरे भीग के बुरे हाल। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अब आप लोगों से कल, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी प्रैक्टिसेस है, देखिए पूरी बेंडिंग के साथ, इधर टॉप वर्क, पीछे भी टॉप वर्क वाला प्लांट में सेब लगा है। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है, 40 करेट 50 करेट ये गाइस इकलौता पेड़ देता है जब इसमें ऑनियर होता है। इस साल भी इसमें अंदरूनी फसल है तो 10-20 करेट तो नॉर्मल है बस। बाकी लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।